हाय वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर अनीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन क्यों ऑफ हो गया है। आप ऐसी भी गलती बिल्कुल मत करना प्लीज। जैसा कि YouTube की न्यू पॉलिसी 14 जनवरी को आई थी मिसलीडिंग टाइटल, जो कि टेक्निका इसरार ने बहुत अच्छी तरह से बताया था, काश मैं उनका ये वीडियो पहले देख लेती तो मेरा चैनल डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टैग का यूज कर दिया था, जो कि बिल्कुल नहीं करना था। यह रूल पहले भी था लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं। और हैशटैग मैंने 15 से ज्यादा लगा दिए थे। मैक्सिमम हैशटैग आप 10 से 12 ही यूज कर सकते हैं। मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में थंबनेल और टाइटल सेम कर दी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी चीज, मैंने अपने पुराने वीडियो के टैग्स में किसी बड़े यूट्यूबर्स का नाम डाल दिया था। ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। अगर आप ये सब गलतियाँ 4000 घंटे पूरा होने के पहले करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ये गलतियां 4000 घंटे पूरा होने के बाद करोगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं 18 फरवरी को रीअप्लाई कर सकती हूँ। मेरा चैनल डीमोनेटाइज 18 जनवरी को हुआ था, एक महीने बाद मुझे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने के लिए। जब मैं रीअप्लाई करूंगी तो मेरे चैनल पे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए एटलीस्ट। आप सभी ये गलती बिल्कुल मत करना। ये वीडियो आप सारे यूट्यूबर्स को शेयर करिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो बहुत बुरा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।